सपा नेता नसीम अहमद ने विरोधियों द्वारा वायरल वीडियो का किया खंडन। आपको बताते चले, दो दिन पहले नगर पालिका बहेड़ी चेयरमैन पति और समाजवादी पार्टी नेता नसीम अहमद का एक वीडियो एक न्यूज एजेंसी द्वारा ट्वीट किया गया था, जिसमें नसीम अहमद कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं, लड़के दो मिनट में चटनी बना देंगे। मगर नसीम अहमद की माने तो यह वीडियो लगभग 4 महीने पुराना है और यह वीडियो उनके अस्पताल का है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा बिल बनाने को लेकर स्टाफ के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें जिस महिला स्टाफ के साथ भी बदतमीजी की गई थी। कोरोना का दौर चल रहा था और उस दौर में कोरोना वॉरियर्स के साथ मारपीट करना बहुत गलत बात है, मगर जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने अस्पताल जाकर समझा बुझाकर मामला शांत कराया था। इसी को लेकर उन्होंने कहा था कि अगर आप गुंडागर्दी करेंगे तो कैसे काम चलेगा, अगर यह स्टाफ भी आपके साथ मारपीट करेगा तो 2 मिनट में चटनी बना देगा, लेकिन हम शरीफ सब लोग हैं इसलिए आपको समझा रहे हैं, और मामले को शांत कराकर उन्हें वापस भेज दिया था। लेकिन कुछ शरारती लोगों ने मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए और मेरी लोकप्रियता से परेशान होकर उस वीडियो का छोटा सा अंश काटकर वायरल कर दिया है, लेकिन मेरा मानना है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जनता सभी को जानती है, जनता को पता है कौन सही है कौन गलत, सत्यमेव जयते, बाकी फैसला जनता को करना है। कि आज तक लोगों पर मुकदमे दायर कराने वाला प्रत्याशी चाहिए या लोगों के काम में आने वाला उनका अपना भाई, बाकी जनता जनार्दन है। बहेड़ी से अनीता देवी की रिपोर्ट। नसीम अहमद साहब, आपका एक वीडियो यूट्यूब चैनल पर वायरल हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो वीडियो वायरल हो रहा है वो काफ़ी पहले समय का है और ये उस वक्त था जब कोरोना का दौर था और कोरोना के अंदर जो है जिनके पेशेंट एडमिट थे उस वक्त उनको काउंटर पे बिल बनाने में थोड़ी देरी हो रही थी। वो उसमें कह रहे थे हमारा इमीडिएट बनाइए, उससे पहले पेशेंट लाइन में लगा हुआ था। इसी बात को लेकर उन्होंने पेशेंट को उनके देखते हुए और जो स्टाफ था उनके चैम्बर में घुसकर उनको उन्हें मारना शुरू कर दिया और मारने के बाद जो है वो ये बात जब पता चली वहाँ स्टाफ से, हम लोग यहाँ से पहुँचे तो मैंने उन्हें वहाँ जाके उन्हें समझाया बुझाया। मैंने कहा गुंडागर्दी ऐसा मत करिए कि ये इस वक्त अपनी जान पे खेल के आपकी पेशेंट की जान बचाई है उन्होंने और आपका पेशेंट सही होकर आ रहा है, तो अगर आप गुंडागर्दी करेंगे तो हम लोगों को मतलब ये है स्टाफ आपसे कोई बदतमीजी करेगा फिर उसका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो ये सत्यता थी उसकी और सत्य हमेशा जीतता है, सत्य में जीते है। नसीम साहब, जानना चाहेंगे ये जो वीडियो वायरल हुआ है इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, वीडियो वायरल करने का केवल मकसद ये है कि जो विरोधी हैं वो भी इतने पुरानी जो वीडियो है उसको अब वायरल इसलिए करा जा रहा है कि मेरी कुछ छवि को धूमिल करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन जो मैंने पिछले 5 सालों में जनता की सेवा की है, जनता मुझसे प्यार करती है और जनता जो है हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है, मैं उनके दुख दर्द में शामिल रहता हूँ, तो जनता का प्यार हमेशा बना रहेगा और उससे जो लोग इस वक्त कर रहे हैं ये जो एक साजिशन है और ये साजिश नाकाम हो जाएगी।